आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक चटपटी सी रेसिपी, मसाला चीज पाव, जिसे बनाना काफी आसान है। तो चलिए जानते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता, क्रिएटिव विनीता चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। पहले हम मसाला पाव के लिए मसाला बना करके तैयार करेंगे। उसके लिए गैस ऑन करके कढ़ाई में डाला है एक बड़ा चम्मच तेल, साथ ही हम डाल देंगे एक बड़ा चम्मच बटर। तेल और बटर हमारे जरा से गर्म हो चुके हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ एक छोटी चम्मच जीरा, साथ ही हम डाल देंगे एक छोटी चम्मच राई। इनको हम जरा सा भून लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 6 से 7 लहसुन की कलियाँ, जिनको हमने बारीक कट करके रखा था। अगर आप लहसुन नहीं खाते हो तो लहसुन को स्किप भी कर सकते हो। अब इसमें हम डालेंगे 3 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज। सारी सब्जियां इसमें हमें एकदम बारीक कटी हुई इस्तेमाल करनी है। प्याज को हमने 2 मिनट के लिए भून लिया है, इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक और हरी मिर्च, जिसको भी मैंने बारीक कट करके रखा था। अदरक आप ज़रूर से ऐड करें, हरी मिर्च की मात्रा आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े टमाटर, जिनको भी मैंने बारीक कट करके रखा था। इसे भी हम 2 मिनट के लिए चला लेंगे। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 कैप्सिकम, जिसको भी मैंने बारीक कट करके रखा था। इसको भी हम 2 मिनट के लिए अच्छे से चला लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे मसाला। पहले डाल रही हूँ नमक स्वाद के अनुसार। ध्यान रखें, आगे चाट मसाला डालेंगे, उसमें भी नमक होता है। चाट मसाला हमने ऐड कर लिया। अब हम डालेंगे पाव भाजी मसाला। मैं यहाँ 3 छोटी चम्मच पाव भाजी मसाला का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। एकदम अच्छे से हमें मिक्स करना है और इसे हम ढक कर लगभग 5 से 7 मिनट के लिए पका लेंगे। 5 से 7 मिनट बाद हम मसाले को चेक कर लेंगे। मसाला हमारा अच्छे से पककर तैयार है। आप देख सकते हो उसका कलर। अब इसमें हम ऐड करेंगे धनिया पत्ती, ताकि धनिया पत्ती का फ्लेवर भी इसमें अच्छे से आ जाए। धनिया पत्ती को हम मिक्स कर लेंगे। अब एक पोटैटो मैशर की सहायता से हम कुछ इस तरह से इसे मैश कर लेंगे। आप चाहो तो इसे बड़े तवे पर भी बना सकते हो, अगर आपके घर पे बड़ा तवा अवेलेबल हो। हमने इसे अच्छे से मैश कर लिया है। इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे, जब तक कि इसका पानी अच्छे से सूख ना जाए। मैं आपको इसका कलर बताती हूँ। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा मसाला हमारा बनकर तैयार हुआ है। लगभग 2 से 3 मिनट के लिए इसे हम और पका लेंगे। 2 से 3 मिनट बाद आप देख सकते हो मसाले का सारा मॉइस्चर हट चुका है, सारा पानी सूख चुका है। मैं पास से इसका टेक्सचर बताती हूँ। और लास्ट में इसमें हम ऐड कर देंगे 1 नींबू का रस। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला पाव का मसाला हमारा बनकर तैयार है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब हम पाव को कट करके तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पे उपयोग किया है लादी पाव का। आप नॉर्मल पाव का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसे हम सेंटर से कुछ इस तरह से कट कर लेंगे। पाव को हमने कट कर लिया है। अब इसे हम सेक कर तैयार करेंगे। आप चाहो तो इन्हें सिंगल सिंगल कट करके भी सेक सकते हो। सेकने के लिए एक पैन में मैं डाल रही हूँ जरा सा बटर। इसकी बॉटम वाले पोर्शन को हम मैं पहले सेक रही हूँ अच्छे से। इसे हम सेक लेंगे दोनों तरफ से बटर लगाते हुए। कुछ इसी तरह से हम इसके टॉप वाले पार्ट को भी सेक कर तैयार कर लेंगे। पाव हमारा सेक कर तैयार है। हमने पाव को सेक लिया है। अब इसमें हम फिल करेंगे हमारा मसाला। मसाले को अच्छे से हम स्प्रेड कर लेंगे। साथ ही इसमें अब मैं स्प्रिंकल करूंगी बारीक कटा हुआ कच्चा प्याज। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद ना हो तो आप ना डालें। साथ ही हम डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती। और लास्ट में इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ग्रेट किया हुआ चीज़। मैं यहाँ प्रोसेस चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास अगर चीज़ स्लाइस हो तो उसका भी उपयोग कर सकते हो, और मोज़रेला चीज़ का भी उपयोग कर सकते हो।
आपको जितना चीज पसंद हो उतना इसमें ऐड करें, इससे इसका फ्लेवर काफी अच्छा आता है। चीज को हमने ऐड कर लिया, अब इसके टॉप के पोर्शन को हम कुछ इस तरह लगा देंगे और बाकी के बचे हुए बन को भी हम फिल करके तैयार कर लेंगे। ये सेकंड बन भी हमने फिल करके तैयार कर लिया है, अब इसे हम सेकेंगे। सेकने के लिए मैंने सेम कढ़ाई का ही इस्तेमाल किया है जिसमें हमने मसाला बनाया था। इसमें हम डाल देंगे बटर और फिल किया हुआ बन इसके ऊपर हम रख देंगे और चीज़ के मेल्ट होने तक इसे हम सेक लेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि बन हमारे ऑलरेडी सिके हुए हैं। एक से दो मिनट में चीज़ हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। मसाला पाव हमारा बनकर तैयार है, अब इन्हें हम सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेंगे। मसाला चीज़ पाव को हमने सर्विंग प्लेट पे सर्व कर लिया है, ऊपर से गार्निश कर देंगे कुछ बारीक कटे हुए प्याज से। साथ ही हम डाल देंगे हरी धनिया की पत्ती, अगर आपके पास फ्रेश अनार के दाने हो तो उसे ज़रूर से ऐड करें। ऊपर से डाल देंगे बारीक सेब। मसाला चीज़ पाव हमारा सर्व होने के लिए बिल्कुल तैयार है, आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर से शेयर करें। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें, ये जो सामने तीन ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें से ऑल को सेलेक्ट करें।